बिहार में जहरीली शराब पीकर मरने वालों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है और ये आंकड़ा अब 18 तक पहुंच चुका है। इस पर जमकर सियासत भी हो रही है। सरकार कार्रवाई के नाम पर अपना बचाव कर रही है क्योंकि एसपी ने थाना प्रभारी समेत 25 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ बिहार की सीमा से सटे यूपी के गोरखपुर में नकली शराब का काला कारोबार चल रहा है। अवैध तरीके से नकली शराब बनाई जाती है और उसे बेचा जाता है। इसका खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने गुरुवार को छापेमारी की। पुलिस को नकली शराब बनाने वाली फैक्ट्री से तमाम नकली सामान भी बरामद हुए हैं। सफेद गैलन में बंद ये वो लिक्विड है जिसकी दो घूंट किसी की भी जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। हरे हरे ढक्कन में बंद बोतल में वो शराब है जो मौत का सबब बन सकती है। ये नकली शराब है, नकली बोतल है, नकली ढक्कन है, नकली रैपर है, नकली मशीन है, नकली गैलन है, नकली शराब है। लेकिन इसे पीने के बाद किसी को मौत असली मिल सकती है। गोरखपुर गोरखनाथ थाना इलाके के पार्वतीपुरम के नजदीक एक मकान में पुलिस ने छापा मारा तो उसे देखकर पुलिस की टीम भी दंग रह गई। पुलिस ने मौके पर नकली शराब का जखीरा बरामद किया, शराब बनाने के तमाम सामान बरामद हुए। पुलिस की माने तो जहरीली शराब को असली रंग देकर इसे मार्केट में बेचा जाता था। से पूछताछ पर उसकी निशानदेही पर रात्रि में यहाँ पे दबिश डाली गई, तो दबिश के दौरान यहाँ पता चला कि यहाँ पे भारी मात्रा में शराब बनाई जाती है और कई महीनों से कारोबार चल रहा था। यहाँ करीब 1000 बोतल तैयार मात्रा में माल मिला है और यहाँ 50 जो गैलन है छोटे 20 लीटर वाले वो स्प्लिट मिला है, जिससे कि एक गैलन से कम 200 लीटर शराब बनाई जा सकती है। शराब बनाने के सारे इक्विपमेंट यहाँ पे मिले हैं, पैकिंग के मटेरियल मिले हैं, बोतल खाली काफ़ी मात्रा में मिली है, उसके अलावा रैपर्स हैं और जो होलोग्राम में वो मिले हैं और किस हिसाब से नाप के अपना पैमाना बना के पता नहीं किस हिसाब से करते थे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिली है। बिल रसीद, बिल बुक भी मिली है कि कहाँ किस तरीके से देते हैं। बताया जा रहा है कि शराब बनाने वालों ने किराए पर ये मकान लिया था। पिछले एक साल से मकान में नकली शराब बनाने का काम चल रहा था, लेकिन पुलिस को देर से सूचना मिली। जब पड़ोसी राज्य बिहार में जहरीली शराब ने मौत का तांडव मचाया तो गोरखपुर पुलिस ने भी छापेमारी तेज की। नकली शराब के साथ साथ दो लोगों को भी गिरफ्तार किया। निश्चित तौर पे ये एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग था जो कि जो ब्रांडेड कंपनी है लैला उसकी शराब बनाता था और कहीं ना कहीं जो सरकारी जो दुकान है देसी ठेके हैं उन पे ये इसकी बिक्री होती है, क्योंकि ब्रांडेड जो शराब है वो कहीं और जगह नहीं बिकती है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही पूरे गैंग को बेनकाब किया जाएगा, लेकिन बड़ा सवाल ये कि इतनी देर से कार्रवाई क्यों हुई। गोरखपुर से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर बिहार के गोपालगंज में जहरीली शराब ने तांडव मचाया है। ऐसे में गोरखपुर में जिस तरह से अवैध तरीके से नकली शराब का कारोबार चल रहा था, ये बड़ा सवाल है। प्रदीप तिवारी, इंडिया 24/7, गोरखपुर। बिहार में शराबबंदी के बावजूद जहरीली शराब लोगों की जान ले रही है, लेकिन बिहार से सटे यूपी के जिले में नकली शराब धड़ल्ले से बन भी रही है और बिक भी रही है। पुलिस ने छापेमारी कर नकली शराब बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। बिहार में नकली शराब ने तांडव मचाया है और अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग अब भी अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। हालांकि डीएम ने अब तक 16 लोगों की मौत की पुष्टि की है। गोपालगंज के डीएम राहुल कुमार ने मौत की वजह जहरीली शराब ही मानी है और हालांकि डीएम ने यह भी कहा है कि अब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शराब से मौत की पुष्टि नहीं हुई है। डीएम के मुताबिक एफएसएल की टीम ने भी सैंपल ले लिए हैं और उनकी जांच रिपोर्ट कुछ दिनों बाद आएगी। इस बीच थाना प्रभारी समेत 25 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। अभी तक 16 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और पीएमसीएच में फिलहाल 4 लोग अभी भर्ती हैं, उन लोगों की हालत स्थिर बताई जा रही है। और कल जो टीम गठित हुई थी, 7 अलग अलग टीम गठित हुई थी, तो उन लोगों ने अपना रिपोर्ट सबमिट कर दिया है और जो मेडिकल टीम गठित हुई थी वो उसका रिपोर्ट आज एक्सपेक्टेड है। रिपोर्ट आने के बाद उस पर कार्रवाई होगी, लेकिन जो बयान लिए गए हैं परिजनों के और जो पटना में जो भर्ती है उनसे, तो उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि वो खजुरबनी में जाके उन्होंने शराब या शराब में मिलाकर कोई इस तरह की चीज़ उन्होंने सेवन किया था।
तो फॉरेंसिक टीम को भी जो विसरा और ब्लड सैंपल उपलब्ध करा दिया गया है, वो फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद एग्जैक्ट सब्सटेंस भी पता चल जाएगा, लेकिन हम लोग खजुरबनी और उसी को सेंटर बना के कार्रवाई कर रहे हैं। गोपालगंज में जहरीली शराब से मौतों को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी जहां नीतीश की शराबबंदी पर सवाल उठा रही है, तो वहीं सरकार में सहयोगी आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने भी मामले को गंभीर बताया है। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि इस घटना पर पर्दा नहीं डाला जाएगा। उन्होंने कहा है कि हम इस मामले में रिपोर्ट आने का इंतजार कर रहे हैं। राज्य सरकार ने 4-4 लाख रुपया उनके परिजनों को देने का ऐलान किया है, सराहनीय है, जबकि मना किया जा रहा है कि कोई आदमी इस तरह से बात कोई पदार्थ कहीं कोई देर नहीं पी लेना चाहिए। और उत्तर प्रदेश से लगा हुआ वो इलाका है हम लोग का, वहाँ 8,000 बोतल जैसी शराब हरियाणा से ला रहा था लोग, माफिया लोग कहीं जो भी हो, वो जब्त किया है। हो सकता है उसमें से कुछ 2-3 लोग ऐसे हों जो अन्य प्रकार से भी जिनकी मृत्यु हुई हो, लेकिन मेरा अपना हंच है, हमको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई एक कारण जरूर, और वह कारण हो सकता है जहरीला शराब।